मुरादाबाद के लोगों की खुशी में पंख लग गए हैं। दरअसल मुरादाबाद से लखनऊ के लिए उड़ान शुरू हो गई है और इस सेवा को शुरू होने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आज 19 सीटर फ्लाइट ने लोगों की तालियों के बीच लखनऊ के लिए उड़ान भरी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद हवाई अड्डे का लोकार्पण किया था। आज वहीं से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट की शुरुआत की। लंबे अरसे के बाद 19 मीटर विमान ने पहली बार लखनऊ के लिए उड़ान भरी। डीजीसीए ने कई बार मुरादाबाद से लखनऊ के लिए उड़ान भरने की तारीख तय की, लेकिन कई बार किसी न किसी तकनीकी खामियों की वजह से उड़ान शुरू नहीं हो सकी थी। लंबे अरसे के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जब आज मुरादाबाद हवाई पट्टी से 19 सीटर विमान ने लखनऊ के लिए उड़ान भरी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुरादाबाद के बद्रीनाथ हवाई पट्टी पर, जहां पर पहली उड़ान का आगाज हुआ है। कहीं ना कहीं मोदी और योगी सरकार की इस सौगात से मुरादाबाद के कारोबार को भी बढ़ावा मिलने वाला है। एयरपोर्ट अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द हिंडन और देहरादून के लिए भी मुरादाबाद से हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। मोदी सरकार की इस सौगात से मुरादाबाद डिवीजन के लोग जो 6 घंटे में अपना सफर तय करते थे दिल्ली और लखनऊ का, वो मात्र 1 घंटे में अपना सफर तय कर सकेंगे। खुशी एक और बात की है कि अब आप हवाई सफर सस्ते दाम में कर सकते हैं। ये सुविधा सितंबर के महीने तक हफ्ते में 3 दिन तक मिलेगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उड़ान भरने वाली फ्लाइट की रेट कम। सुबह 9:35 पर मुरादाबाद से उड़ान भरेगी फ्लाइट। 1 घंटे 10 मिनट का सफर तय कर 10:45 पर लखनऊ पहुँचेगी फ्लाइट। सुबह 7:50 पर लखनऊ से मुरादाबाद की उड़ान। विमान में कुल 19 सीटें रहेंगी। 999 रुपए से लेकर 1298 रुपए का टिकट। प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह व मंत्री बलदेव सिंह औरा की मौजूदगी में मुरादाबाद से लखनऊ के लिए 19 सीटर विमान में 19 यात्री सवार। उड़ान शुरू होने के बाद वरिष्ठ निर्यातकों नजबुल इस्लाम ने शुक्रवार को ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और मुंबई के लिए हवाई उड़ान की मांग की। उनका मानना है कि इन शहरों के लिए हवाई उड़ान शुरू होने से पीतल नगरी के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बार्स आसानी से मुरादाबाद आ सकेंगे। गौरव पल है हमारे लिए, और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। एक लंबे समय के बाद 10 साल के बाद मुरादाबाद में आपका हवाई अड्डे का लोकार्पण हो रहा है। यहाँ पर आपके बहुत से लोग, आपके जो गाइड्स हैं वो आते हैं, क्योंकि मुरादाबाद और दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी अब हो गई है। लेकिन आपका एयर रूट खुलने से ये और आपका सक्सेस होगा, बिजनेस को बढ़ाने में नेचुरली आपका बहुत अच्छा प्रयास है। यूपी के दुग्ध एवं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सीएम योगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी लगातार तरक्की कर रहा है। साथ ही ये भी कहा कि हवाई उड़ान शुरू होने से यहाँ के कारोबार को पंख लगेंगे। ये मुरादाबाद के औद्योगिक क्षेत्र और जनता के लिए एक बहुत शुभ लक्षण है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी दोनों को ही बधाई देना चाहता हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश हवाई सेवा में बहुत आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, रेलवेज और एयरवेज सेवा बहुत आगे जा रही है। लंबी अरसे के बाद मुरादाबाद से हवाई उड़ान शुरू हो पाई। पहली फ्लाइट ने लखनऊ की उड़ान भर दी। विमान में यात्रा करने वाले यात्री गदगद, शहर के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं। टीम न्यूज़ स्टेशन।